नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान और शुरू करने के लिए और आज हमें अपना समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशीष करण, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज देहरादून से आज अपनी टीम के साथ, जिसमें कि पंकज, मानस, रमन, स्वप्निल और अभय शामिल है, इस खेल आरोग्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो आप तो खेल आरोग्य पेट्रोलियम के वाले हैं, आयुर्वेद आयुर्वेद में कहाँ घुस गए? हम तो भारत के हैं सर। नहीं, पेट्रोलियम की दुनिया वाले हैं और जी आपको जी आयुर्वेद में इतनी रुचि है, इसका कोई बैकग्राउंड है क्या? बैकग्राउंड से यही कहूंगा कि भारतीय संस्कृति के मूलभूत अंगों में मुझे बहुत रुचि है, हमेशा से रही है हमारे उसमें। तो बताइए। सर, जो सर्वे संतु निरामया, ये जो भारतीय आदर्श हैं, यही इस हमारे खेल का आधार है कि सब लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि आरोग्य सबसे पहले है क्या। तो भारतीय जो मान्यता है, जो भारतीय ऋषियों ने दिया है, जो महर्षि चरक ने बताया है, वो यह कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम, हेल्थ इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, इवन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो व्याधियों का ना होना मात्र आरोग्य नहीं है, यह परिभाषा महर्षि चरक ने काफी पहले दिया था, 1948 में WHO ने से स्वीकृत किया इस परिभाषा को। तो हम इसी तथ्य को आगे रख रहे हैं कि आरोग्य है क्या, आरोग्य वृद्धि कैसे हो, आरोग्य संवर्धन कैसे हो। इस खेल में शुरुआत में हर खिलाड़ी को कुछ पैसे और कुछ आयु दी जाती है, कुछ पैसे और कुछ आयु दी जाती है। तो पासे फेंक कर जो हर खिलाड़ी है वो आगे बढ़ता है। खेल के अंदर बहुत सारे औषधि क्षेत्र हैं, तो पैसे से वो औषधि क्षेत्रों को खरीद सकता है, और यदि बाद में उन क्षेत्रों पर कोई और आए तो उनसे कर वसूल कर धन भी अर्जित कर सकता है। लेकिन इन सारे धनों की कोई उपयोगिता ही नहीं है यदि आपकी आयु ही शेष ना हो। तो आयु सर्वोपरि है। तो आयु कैसे क्षीण होती है इस खेल में? इस खेल में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां जाने से आयु क्षीण होती है। जैसे कि एक स्ट्रेस सेंटर है, यदि हम बहुत स्ट्रेस लें तो हमारी आयु क्षीण होगी। इसी तरह से अनुचित आहार, जो कि अंग्रेजी में जंक फूड भी कहते हैं, उसका भी एक सेंटर है। यदि वहां पहुंचता है बच्चा उसका पैदा, तो उसकी आयु क्षीण होगी। इसी तरह से दो प्रमुख डिजीज सेंटर्स हैं इस खेल में, जहां पर अगर पासे से आप 1 से 6 फेंकेंगे तो 6 तरह के विभिन्न रोग हैं जिससे आप ग्रसित हो जाएंगे। तो जब कोई बीमारी से ग्रसित होगा तो एफिशिएंट नहीं होगा, उसकी चाल धीमी हो जाएगी, ऐसा इसका नियम है। बीमारी से ग्रसित होने पर यह जरूरी है कि प्लेयर शीघ्र से शीघ्र हेल्दी बने, स्वस्थ बने। तो बीमारी से जो ग्रसित होने पर जो निकलने के उपाय हैं वो तीन हैं, जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो है आहार, विहार और उपचार। ये तीनों स्तंभों को हमने इस खेल में सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। तो हमारे भारत में जो बात है कि आहार ही ऐसा होना चाहिए कि औषधि की आवश्यकता न पड़े, व्याधियां आए ना। आहारम परमम औषधम, तो इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिखाया है। ताजे फल, सब्जी, फल, पंचगव्य, रसोई की औषधियां, वो सारे इसमें सम्मिलित किए हैं हमने। सबसे एक महत्वपूर्ण संदेश जो हम इसमें देना चाह रहे हैं वो यह है प्रधानमंत्री जी, कि जो भारतीय रसोई है हमारी, इसमें जो हमारे जिन्हें मसाले कहते हैं, वो वास्तविकता में वो सारी औषधियां हैं। जैसे कि हल्दी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, अजवाइन, मेथी, वो सारे औषधि क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। हमारा प्रयास यह है कि जो बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े भी, सब इस बात को समझें कि घर में मौजूद जो हमारे पास औषधियां हैं उनसे ही हम उपचार कर सकते हैं। विहार के रूप में इस खेल में योग प्राणायाम सम्मिलित किया गया है, पंचगव्य पंचकर्म भी सम्मिलित किया गया है, जहां पहुंचकर संपूर्ण रोगों से स्वतः निवारण हो जाता है, और उपचार के लिए औषधियां तो हैं ही। और अंत में मैं यह कहूंगा कि यह आयुर्वेद का ज्ञान, ये जो आयुर्वेद का विरासत जिन्होंने हमें दिया है, जो भारत के महान ऋषि रहे हैं, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, भारद्वाज, अत्रेय, उन सबको इस खेल में सम्मिलित किया गया है। वे सबके सब इस खेल में उपस्थित हैं हमें आयु आरोग्य का आशीर्वाद देने के लिए। तो जब भी कोई खिलाड़ी वहां पहुंचता है तो उसे आयु मिलती है। तो यही हमारे हमारा यही प्रयास है इस खेल के थ्रू, कि जो भारतीय लोग हैं, जो बच्चे हैं खासकर, वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को, उनकी महत्ता को समझें, आरोग्य के महत्व को समझें, आरोग्य के, और इसको जीवन में उतारें, जीवन में प्रयोग करें और स्वस्थ निरोग रहें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आशीष जी, आपको और आपकी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा आज मुझे खुशी हुई कि जितने भी प्रेजेंटेशन आए हैं
उसमें खेल तो है, फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं पर शरीर की चिंता की गई है, कहीं पर मन की चिंता की गई है, कहीं पर बुद्धि की चिंता की गई है, कहीं पर सब्जेक्ट्स को सरलता से पढ़ने का रास्ता सिखाया गया है। अरे बड़ा विविधतापूर्ण आज मुझे ये खाले खेल की दुनिया देखने को मिली। आशीष जी, ये जो आपका बोर्ड गेम है, इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर किस तरह से जोर दिया गया है? क्योंकि एक बार जाते जाते कहीं तकलीफ आई तो बराबर है, प्रिवेंटिव हेल्थ, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ का सबसे पहला सिद्धांत यही है, और उसके लिए कुछ है क्या इसमें? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स तो हैं जिन्हें जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं जिसके भी हमने डाले हैं, लेकिन इस पर हम और गहन विचार करके इसमें और सारे एलिमेंट्स को हम शरीक जरूर करेंगे इस खेल में, क्योंकि बहुत ही उपयुक्त सुझाव आपने दिया है। देखिए आशीष जी, मेरा एक सुझाव है कि आप नया भी एक गेम बोर्ड बना सकते हैं, नए तरीके से बना सकते हैं, और वो बच्चों को हेल्दी फूड के फायदे और जंक फूड के नुकसान, इसके बारे में खेलते खेलते उनको पता चले कि भाई ये खाया तो ये हो जाएगा, ये खाया तो ये हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि देश जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कुपोषण के संबंध में भी हम बहुत आसानी से हमारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। वरना कभी बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं ये टमाटर नहीं खाऊंगा, गाजर नहीं खाऊंगा, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे तो गुड़ और चपाती चाहिए, ये बच्चों के मन में रहता है, कभी कहता है दूध नहीं पीऊंगा। अगर गेम के माध्यम से, बहुत बड़ा आयुर्वेद शास्त्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुपोषण के संबंध में, चाहे उसमें हैबिट की बात हो, हाथ धोना चाहिए खाने से पहले, पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, पानी कितना शुद्ध होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें खेल के माध्यम से और एक गेम बोर्ड के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ जंग, ऐसा भी आप बना सकते हैं और बड़े आराम से बना सकते हैं, तो शायद ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। मेरी आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। नमस्कार।